हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, फाइनेंस की बात करें तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर कहने का मतलब तो ऐसे लगता है जैसे क्या है ना, बट अगर हम बात करें बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो कैपिटल मतलब क्या होता है जी, पूंजी, और स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। तो यानी कि अगर आप किसी बिजनेस में पूंजी लगाने की सोच रहे हैं तो भैया उसका ढांचा क्या होगा, मतलब कितना पैसा आप घर से लगाएंगे, कितना पैसा बाहर से लोन लेंगे, कितना पैसा दोस्तों से लेंगे, कितना पैसा कहां से आएगा, इसी बात की जानकारी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। नहीं तो जब हम बिजनेस की शुरुआत करने जाते हैं ये तो बहुत छोटी सी बात है कि भैया हमें पता करना है कि भैया पैसा आएगा कहां से, हम बिजनेस चलाएंगे कैसे। नहीं तो अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये पढ़ा कि सर फाइनेंस के हर सोर्स की एक कॉस्ट होती है। जैसे इक्विटी की बात करें तो इक्विटी की कॉस्ट होती है ना। अगर बात करें डेट की तो कॉस्ट ऑफ डेट होता है। अगर हम बात करें रिटेन अर्निंग की तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होती है ना। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है। तो ये हर आपके फाइनेंस की सोर्स की अपनी एक कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट के बिहाफ पर भैया हमको जैसे डेट लिया तो हमको मिनिमम इतना पैसा लेके आना पड़ेगा जितना हमको उसके कॉस्ट का रिटर्न कर सके, है ना। जैसे डेट अगर ले रहे हैं तो भैया उसका इंटरेस्ट पे कर सके इतना तो कमाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि भैया कहाँ इन्वेस्ट करें, और कहाँ इन्वेस्ट करने के साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि भैया पैसा कहाँ से आएगा। नहीं जी, और पैसा आएगा तो किस रेशियो में आएगा, बात समझ में आ रहा है जी। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि जो पैसा हम लगाएंगे बिजनेस में वो किस रेशियो में लगाएंगे, हम फाइनेंस को किस तरीके से देखेंगे कि भैया हमारा जो है फर्म की वैल्यू बढ़ जाए, फाइनेंस के सोर्स को हम यूज कैसे करेंगे कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, है ना जी। जी तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है सर। इस तरह के डिसीजन को लेना ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। किस तरह का डिसीजन कि भैया हम क्या करेंगे, हम डिसीजन लेंगे कि डेट कितना लगाना है, इक्विटी कितना लगाना है, कितना हम लोन लेंगे, कितना हम खुद का पैसा लगाएंगे। नहीं जी, ये हो गई आम बोलचाल की भाषा में। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो होता क्या है। थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखिए इसके 3 या 4 लेक्चर होंगे और 3-4 लेक्चर में आपका पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला भैया, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है ना। तो आप लोग हमेशा से बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं सर। तो चलिए आइए पहले हम लोग देखते हैं सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सर कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल कि फाइनेंस के सोर्स को हम किस तरह से यूज करें कि फर्म की वैल्यू बढ़ जाए। तो सर फर्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जी। सर बिल्कुल करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा शेयर होल्डर के वेल्थ को, या डेट और इक्विटी को हम किस तरह से यूज करेंगे जिससे मेरा आपका फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले हम इसको देखते हैं, बेसिक डिफरेंस किसमें देखेंगे कि भैया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए हम पहले आप लोग हमेशा से बैलेंस शीट बनाए होंगे, आज फिर हम एक उसी बैलेंस शीट को लेके चलते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल सही बात सर, एक ठो बीच में कर दिए, खैर अभी तो ये वाला नहीं चलता, लेकिन फिर भी अभी अभी आप इसी को कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए यहां क्या था सर, इधर होता था कैपिटल एंड लाइबिलिटी, क्या होता था कैपिटल एंड लाइबिलिटी, और इधर हम लोग लिखते थे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। नहीं बिल्कुल जी सर, तो अभी यहां हम लोग क्या लिखते थे सर, इसके बाद हम लोग लिखते थे फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स लिखते थे, नहीं फिर इसको नॉन करेंट एसेट भी बोलते थे, ठीक है। इधर तो एसेट साइड में ही लिखाता था जी सर। अब इसमें से क्या आपका फिक्स एसेट, तो आपको पता है यार, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, है ना, ये सब होते थे। उसके बाद लिखते थे हम लोग करंट एसेट्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स को तो करंट एसेट्स ही बोलते हैं, नहीं जी। चलिए इसमें क्या होता था, इन्वेंट्री, स्टॉक, और फिर हम लोग इधर मैच कर देते थे, क्लियर है जी सर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर यहां भी कोई दिक्कत नहीं है और यहां भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड की। तो लाइबिलिटी साइड पहले क्या होता था सर, पहले हम लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस है तो वो भी लिख देते थे, हाँ या ना जी सर, बिल्कुल लिखते थे। अगर कोई डिबेंचर है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो इसको भी लिख देते थे, लिखते थे कि नहीं लिखते थे जी। तो ये हो गया आपका, यहाँ ये आपका इस साइड आ गया जी। इसके साथ साथ ये तो क्या हो गया सर, ये लॉन्ग टर्म में हो गया, शॉर्ट टर्म में करंट लाइबिलिटी भी तो होती थी हमारी, जैसे करंट एसेट वैसे करंट लाइबिलिटीज भी होती थी, तो करंट लाइबिलिटीज को भी हम लोग लिख देते थे और फिर हम लोग बैलेंस शीट मैच कर देते थे। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यही कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बात करें टोटल की, ये भी करंट लाइबिलिटी को भी अगर आप इंक्लूड कर ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? देखिए इसको समझना जरूरी है, इसके बाद आपकी चीजें क्लैरिटी और चले जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम शुरू करें, क्या शुरू करें सर, सर कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का डिफरेंस हमको समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म के बीच वाली चीजें जो कि लायबिलिटी में है, आपके क्या इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म का डेट, ये सारे कैपिटल स्ट्रक्चर है। करंट लायबिलिटी इंक्लूड कर दिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोला, बोला भैया क्या कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। नहीं जी सर, अब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या चीज है सर, एक तो आता है प्रोप्राइटर फंड, जिसको हम लोग ऑनर फंड भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑनर फंड, जो खुद का होता है अपना पैसा एकदम किडनी वाला, ठीक है। दूसरा बोलते हैं बोरोड फंड, कि हम कहीं से पैसा लेके आ रहे हैं, चाहे वो बैंक से लें, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, चाहे डिबेंचर खरीद लें, चाहे बॉन्ड्स खरीद लें, नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो बोलेंगे प्रोप्राइटर फंड, दूसरा बोलेंगे बोरोड फंड, जहां से पैसा लाया गया है, है ना जी। उसके बाद अब देखिए प्रोप्राइटर फंड में क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, और रिटेन अर्निंग, जो आपके पास पैसा ऑलरेडी बचा हुआ है वो सारी चीजें। तो ये क्या आ जाएगा प्रोप्राइटर फंड में। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, लोन सॉरी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म, तो ये क्या भाई साहब सर, अलग अलग बैंक से लोन लेना, किसी अदर जगह से लोन लेना, ये सारी चीजें बोरोड फंड में आ जाएगा, कि भैया हम पैसा कहीं से लेके आ रहे हैं बिजनेस शुरू करते हैं। तो यही दो तरीका है जी, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ये सारे प्रोप्राइटर फंड और क्या है बोरोड फंड है, लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन अब हमको ये देखना है, क्या देखना है, कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में ये डिटरमाइन करना होता है कि किसी भी फर्म के कैपिटल में हर लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस की प्रोपोर्शन क्या होगी। मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स हमने बोला ना, कि भी लॉन्ग टर्म सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को तो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जी। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की प्रोपोर्शन क्या होगी, रेशियो क्या होगा, है ना, मतलब कितना पैसा रेज किया जाएगा इन सारे सोर्सेस से, जो भी सारे सोर्सेस हैं उनसे कितना पैसा रेज किया जाएगा। तो कह रहा फाइनेंस में जितने भी सोर्स होते हैं इन सारे अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिसको कंसीडर करते हैं रिस्क और कॉस्ट के बेसिस पे। अब देखो रिस्क और कॉस्ट क्या है, बात समझिए, जितना ज्यादा रिस्क होगा आपका सर, भैया कॉस्ट क्या होगा बताओ, कि रिस्क के साथ कॉस्ट क्या होगा, अगर हम रिस्क ज्यादा रखेंगे तो भैया कॉस्ट भी ज्यादा होगा, रिस्क कम कॉस्ट कम, सिंपल सी बात है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है, सॉरी 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 मैंने क्या कह दिया, ओहो हो, रिस्क ज्यादा कॉस्ट कम, रिस्क कम कॉस्ट ज्यादा, यही बात है, देखो मोर कॉस्ट लेस रिस्क, है ना, क्यों क्यों ऐसा होगा सर, क्यों ऐसा होगा, ये भी बात आपको समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं क्यों सर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग दो सोर्स ऑफ फाइनेंस को कंसीडर करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जब आप पढ़ेंगे तो वहां दो ही सोर्स को कंसीडर किया गया, कौन कौन सा सर, एक तो डिबेंचर और दूसरा इक्विटी, मैंने जो पहला कहा था वो भी सही है, लेकिन वो इस थ्योरीज के हिसाब से सही नहीं होगा, आप देखिएगा मैं आपको उसको इंप्रूव करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये समझे कि जब फाइनेंस में अगर बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो दो सोर्स ऑफ फाइनेंस लिया गया, कौन कौन सा, डेट और इक्विटी, ठीक है।
डेट की अगर हम बात करें, डेट की अगर बात करें तो यहां अगर आप जितना ज्यादा डेट लेंगे तो उतना ज्यादा रिस्क है, हैं? क्यों रिस्क है भाई? डेट लेंगे तो भैया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप डेट लेंगे और इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो भैया आपका शेयर होल्डर क्या होगा, आपका बैंक क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा और फिर आपका प्रॉपर्टी जब्त किया जा सकता है। बात समझ रहे हो? तो डेट लेने से नहीं हो जाता है, डेट पूरा, डेट लेने से क्या होगा, अगर कंपनी ने इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नहीं दिया तो भैया डिबेंचर होल्डर सीधे सीधे चल जाएगा कहां, कोर्ट में, बोलेगा भैया तुम हमको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, जाओ चलो हम चलते हैं कोर्ट में। सीधी सी बात है कि आप कहीं पैसे लगाओगे और वहां और आपको वहां का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो आप तो बोलोगे ना कि भैया हम क्यों देंगे तुमको पैसा, हम चले कोर्ट में। तो ठीक उसी प्रकार डिबेंचर के साथ ये क्या है, रिस्क ज्यादा है, क्या है, रिस्क ज्यादा है लेकिन उसका कॉस्ट लेस है। अब लेस कॉस्ट क्यों होता है ये बात बताओ, लेस कॉस्ट क्यों होता है? क्योंकि डेट पे इंटरेस्ट का टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, डेट के डिबेंचर इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, इसी वजह से क्या होगा ये लेस कॉस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी की बात करें तो मोर कॉस्ट, मतलब जितना ज्यादा कॉस्ट, क्यों होगा ज्यादा कॉस्ट भाई साहब, क्योंकि इसमें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन रिस्क क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब इक्विटी की बात आ जाती है ना तो हम कमिटमेंट नहीं करते कि भैया आपको डिविडेंड देंगे, कंपनी अगर अर्न करेगी तो डिविडेंड आपको मिलेगा, नहीं अर्न करेगी तो डिविडेंड ना के बराबर मिलेगा, ठीक है, या फिर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है डेट और इक्विटी के रेशियो में कि अगर डेट में कॉस्ट कम लग रहा है लेकिन रिस्क ज्यादा है। क्यों रिस्क इसलिए ज्यादा है, क्योंकि भैया अगर आप कंपनी डेट कमा के, डेट लेके और पैसा नहीं कमाई, तो नहीं कमाई पैसा तो इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी, और इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी तो डिबेंचर होल्डर कोर्ट में। और अगर बात करें हम इक्विटी की, इक्विटी में क्या रिस्क जरूर आपका कम है, रिस्क क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक बार पैसा लगा दिया, लगा दिया वहां पे, क्यों? क्योंकि भैया आपका ये नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, कंपनी कमिट नहीं करती कि हम आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे, कंपनी कमाएगी तो डिविडेंड आपका, नहीं कमाएगी तो कोई बात नहीं। और भैया कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा फिर, क्यों कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि टैक्स वा देना पड़ेगा ना, डेट में टैक्स का बेनिफिट है, इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं है, क्लियर है। अब ये हो गए डेट और इक्विटी की बात, लेकिन अगर हम नॉर्मल केस में देखें तो एज ए नॉर्मल केस में तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा कॉस्ट, और जितना अगर क्या बोलते हैं जितना कम रिस्क उतना कम कॉस्ट, सीधी सी बात है ना जी। लेकिन यहां हमको डेट के और इक्विटी के बिहाफ में देखना है, तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब एक फाइनेंशियल मैनेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस को चूज करता है तो ये ध्यान में रखता है कि रिस्क एंड कॉस्ट दोनों मिनिमम हो। अब देख लो यहीं पे रिस्क और कॉस्ट दोनों मिनिमम हो, यही होना भी चाहिए ना। अभी तो मैं बात कर रहा था ना कि रिस्क ज्यादा तो कॉस्ट भी ज्यादा, रिस्क कम तो कॉस्ट भी कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक जुडिशियस और सही कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करता है। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का सही डिसीजन लिया, आपने ये सोच के देखा कि भैया ज्यादा पैसा हम लोन भी नहीं लेंगे और ज्यादा पैसा इधर से भी नहीं लगाएंगे, तो एक सही डिसीजन लिया, इसका मतलब रिस्क भी आपने बराबर रखा, कॉस्ट भी बराबर रखा, दोनों को मिनिमम रखा अगर, तो भैया इसको बोलते हैं जुडिशियस कैपिटल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, मतलब एक सही आपने पूंजीगत ढांचा तैयार किया, ठीक है, कि भैया इससे बिजनेस शुरू करेंगे तो जिससे क्या होगा, जिससे फर्म का कॉस्ट कम हो जाएगा, और जब फर्म का कॉस्ट हो जाएगा तो फर्म की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम वैल्यू ज्यादा। बट एक रॉन्ग डिसीजन, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया भैया, तो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है वो फर्म को, एडवर्सली मतलब रॉन्ग फैक्ट, गलत डिसीजन आपका अपोजिट ले जा सकता है। जब अभी फर्म की वैल्यू बढ़ गई कॉस्ट कम होने की वजह से, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जब आप गलत डिसीजन लोगे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा और फर्म की वैल्यू घट जाएगी। वैल्यू फर्म कैसे निकालते हैं अभी हम लोग देखेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है, सो द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर फर्म के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। आप देखो फाइनेंशियल मैनेजर का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल क्या है, सर फाइनेंशियल मैनेजर इसलिए होता है कि मैक्सिमाइज कर सके शेयर होल्डर के वेल्थ को। अगर शेयर होल्डर का वेल्थ नहीं बढ़ा पाएगा फाइनेंशियल मैनेजर, तो भाई बिजनेस में वो है क्यों, है ना,
किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर इसलिए होता है ताकि वो क्या कर सके कि सर शेयर होल्डर के क्या कहते हैं वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। अब ये ऑब्जेक्टिव है जी। अब इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटरमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है सर, जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या हो, मिनिमम हो और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो, मिनिमम, कॉस्ट कंपनी का मिनिमम हो और जो फर्म की वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा सही चीज है, ठीक है। चले अच्छा एक बार आपको यहां रिवाइज करा दूं क्या फटाफट, एक मिनट में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। ये देखो हमने क्या बोला, हमने बोला भैया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। दो तरह के फंड होते हैं, कौन कौन सा सर, प्रोप्राइटरी फंड, बॉरोड प्रोप्राइटरी फंड में इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल और रिटेन अर्निंग आते हैं, और आपके बॉरोड फंड में आते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन अगर लिया आपने, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारे आते हैं। हमने बोला कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में डिटरमाइन करना होता है कि भैया फर्म की कैपिटल को लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का प्रोपोर्शन क्या है और पैसा कितना रेज करें, है ना। ये दो चीजें, अब फाइनेंस में जितने भी सोर्स होते हैं उन सारे वो सारे अलग होते हैं, किस बेसिस पर, रिस्क और कॉस्ट के बेसिस पर, ठीक है। रिस्क और कॉस्ट के बेसिस पर हम ये चीज डिसाइड करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो सोर्स ऑफ फाइनेंस को कंसीडर किया गया है, कौन सा, डिबेंचर और इक्विटी। अगर डिबेंचर क्या है, डिबेंचर में कॉस्ट बहुत लेस होता है ना, क्यों, क्योंकि इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। बट रिस्क क्या है, रिस्क ज्यादा होता है। अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में रिस्क लेस है क्योंकि यहां कोई कमिटमेंट नहीं होता है डिविडेंड का, लेकिन कॉस्ट जो है क्या है वो ज्यादा रहता है क्योंकि टैक्स का ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या, अब फाइनेंशियल मैनेजर को चूज करना पड़ता है, क्या चूज करना पड़ता है कि रिस्क और कॉस्ट दोनों मिनिमम हो। क्यों ऐसा, क्योंकि एक सही डिसीजन फर्म की वैल्यू को बढ़ा देता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर देता है, तो ये क्या हुआ, सही होगा। लेकिन अगर गलत डिसीजन लेगा तो एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा किसको, फर्म को, ठीक है। चलो आप क्या बोला भैया, तो शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब इसी, ये तो ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए किसी भी फर्म का जी, तभी तो शेयर होल्डर खुश होंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे जी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजर को बोलना पड़ेगा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लो। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जहां कॉस्ट कम हो और फर्म की वैल्यू ज्यादा हो, है ना। तो अब क्या, अब भाई साहब ये डिसीजन बेस्ट हो जाएगा। अब समझिए चलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं सर, आइए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। अब देखो वैल्यू ऑफ फर्म मतलब फर्म कितना डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है सर, वैल्यू ऑफ फर्म दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो अर्निंग पे, अगर पैसा ज्यादा कमाएगा तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, पैसा कम कमाएगा तो फर्म की वैल्यू कम होगी। दूसरा अगर बात करें, दूसरा डिपेंड किस पे करता है, कॉस्ट पे, अगर फर्म का कॉस्ट कम होगा तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा होगा, है ना, तो फर्म की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, कैसे बोल रहे हैं, देखिए वैल्यू ऑफ फर्म जो है ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया फर्म वैल्यू ऑफ फर्म किस पे डिपेंड है, अर्निंग पे, है ना, और ये किस पे डिपेंड है, कॉस्ट पे, दो चीजों पे डिपेंड है, किस पे, किस पे, वैल्यू ऑफ फर्म जो डिपेंड है, एक तो अर्निंग पे, अर्निंग क्या, कि अर्निंग ज्यादा होगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, अर्निंग कम होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म भी कम होगा। दूसरा डिपेंड किस पे सर, कॉस्ट पे, अगर कॉस्ट ज्यादा तो वैल्यू ऑफ फर्म कम, अगर कॉस्ट कम तो वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा, क्लियर है जी सर। अब इस बात को समझिए, ये क्या बोलता है इसके बाद में, अर्निंग और वैल्यू फर्म के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर बात करें वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट के बीच में तो नेगेटिव रिलेशन है, क्लियर है जी। सो द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में अर्निंग को कांस्टेंट माना गया है, तो अभी हम लोग बहुत सारे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ेंगे, तो उन कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में अर्निंग को क्या माना गया, कांस्टेंट माना गया, कि भैया डेट से ले लो या किसी भी चीज से ले लो, अर्निंग तो हम बराबर कर रहे हैं, कहीं किसी भी तरीके से आपका अर्निंग क्या होगा, बराबर होगा, बिजनेस में कहीं से भी पैसा कैसे लगा दो हम बराबर बराबर अर्न करेंगे, ये कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। सो द टोटली वैल्यू डिपेंड्स किस पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, तो जो वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो टोटली डिपेंड करेगा
कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट ज्यादा होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म कम होगी, और कॉस्ट कम होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी। फिर वैल्यू ऑफ फर्म का एग्जाम्पल सॉरी फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या है एग्जाम्पल सर। एग्जाम्पल देखिए क्या है भाई साहब, अर्निंग कितना है, अर्निंग मान लो 2000 रुपया, ठीक है, कितना है 2000, कॉस्ट कितना 10%, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट, 2000 डिवाइडेड बाय 10%, यानी कि यहां एक जीरो काट दो कितना हो गया 20,000, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये हो गया पहला, दूसरा क्या है अर्निंग कितना है, अर्निंग हो गया जी 2000, ठीक है, कॉस्ट हो गया 20%, हमने क्या किया बढ़ा दिया, अर्निंग सेम है, अर्निंग कांस्टेंट है दोनों के लिए, ये बात पता है आपको, कॉस्ट क्या 10% से 20% कर दिया, देखते हैं वैल्यू फॉर्म पे क्या इफेक्ट होता है, वैल्यू फॉर्म ठीक है 2000 डिवाइडेड बाय 20%, 20 एकम 20 25 100, यानी कि 10,000। देखो क्लियर समझो क्या हुआ सर, हुआ ये कि कॉस्ट हमने 10% रखा तो फर्म की वैल्यू 20,000 है, यानी कॉस्ट हमने कम रखा तो फर्म की वैल्यू बढ़ गई, और कॉस्ट हमने ज्यादा रखा तो फर्म की वैल्यू क्या हुई डिक्रीज कर गई। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आइए चलते हैं अपने मेन बुक में, ठीक है, क्या कहता है बुक देखें फटाफट देखें जी सर क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा कह रहा है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर के वेल्थ को, देयरफॉर ऑल फाइनेंशियल डिसीजन इन एनी फॉर्म शुड टेकन इन द लाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो फॉर्म में जितने भी डिसीजंस होते हैं इन्हीं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाना है कि भैया शेयर होल्डर के वेल्थ को हमें क्या करना है मैक्सिमाइज कर देना है। कह रहा है व्हेनेवर कंपनी इज रिक्वायर्ड, जब भी कंपनी को जरूरत होती है लॉन्ग टर्म फंड अरेंज करने की, तो फाइनेंस मैनेजर को रिक्वायर्ड क्या बोलता है, फाइनेंस मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ मिक्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो भी सोर्स है फाइनेंस के उसको मिक्स करके वो डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया हम किसे किसे पैसा रेज करें, दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इज मैक्सिमम, द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज रिफर्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कितना बढ़िया तरीके से आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो मिक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे, बशर्ते क्या होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या होना चाहिए कम और फर्म की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है बात समझ में आई। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या मतलब हुआ सर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का यही मतलब हुआ कि हम इस तरीके से यूज करें फाइनेंस के सोर्स को कि भैया कॉस्ट कम हो और शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो मैक्सिमम पे हो, ठीक है। देखो ये कह रहा है द कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑप्टिमम व्हेन द फर्म हैज सेलेक्टेड सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट so that the wealth of firm is of shareholder is maximum, shareholder का wealth क्या हो maximum हो और भाई साहब cost कम हो, and at this capital structure the cost of capital is minimum and market price per share is maximum। तो जब ये बात हो तो हम कहते हैं optimum capital structure हुआ। आइए अगर हम बात करें financial structure या capital structure की, तो भैया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में बस बेसिक डिफरेंस है, कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सोर्सेज जितने भी आते हैं इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है ना आपका रिजर्व एंड सरप्लस है ना, ये सारे चीज जो है वो आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। और हम बात करें कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों सोर्सेज का यानी करंट लायबिलिटी की भी बात करें तो आ जाएगा वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, वही कह रहा है बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज करेंगे तो भैया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और लॉन्ग टर्म सिर्फ यूज करेंगे तो उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ऑल सोर्सेस ऑफ कैपिटल होते हैं लेकिन वन ऑफ द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में होते हैं। प्रोसेस क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने का क्या मतलब हुआ कि भैया हम
सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें, है ना, इन्वेस्ट कहाँ करें, रिप्लेस कर दें बिजनेस को, मॉडर्न तरीके से चलाएं, एक्सपेंशन और बढ़ा दें या फिर डाइवर्सिफाई कर दें, है ना, ये सब डिसीजन लेते हैं। अब इसको करने के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये सारा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेज फंड, है ना, रेज फंड मतलब पैसा लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या, कहां से पैसा लाएंगे, इंटरनल फंड से, डेट से या एक्सटर्नल इक्विटी से, कहां से पैसा लाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन, कि पैसा कहां से रेज किया जाए। अब हमारे पास तीन तरीके के ऑप्शन है, कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, है ना, एक तो डिजायर्ड डेट इक्विटी मिक्स होगा और तीसरा होगा पे आउट पॉलिसी। तो अब क्या बोल रहा है कि जो डिजायर्ड डेट इक्विटी मिक्स है, जिसमें से रिटर्न और रिस्क देखा जाए, ठीक है, रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर चेक किया जाए, तो उसका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्ट पड़े कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब यहां सीधा सीधी बात कह रहा है कि भैया रिटर्न और रिस्क को देखते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड होता है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पर वैल्यू ऑफ फर्म का कम या ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या था, कॉस्ट कम तो वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा, और वैल्यू ऑफ फर्म क्या, कम तो कॉस्ट ज्यादा, ठीक है। और इस तरीके के डिसीजन से ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लिया जाता है। अब अगर हम बात करें जनरल एजम्पशंस की, मतलब अगर कुछ एजम्पशंस लिए जाएं कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर, तो वो कौन से एजम्पशंस होंगे। पहला कह रहा है देयर आर टू सोर्स ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, कौन सा, डेट और इक्विटी, कोई टैक्स नहीं होगा, देयर आर नो टैक्सेस, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा। ऐसा मान के चलेंगे कि डिविडेंड हम जो है वो 100% पे आउट में रखे हुए हैं। ड्यूरिंग द डिसीजन पीरियड टोटल एसेट डू नॉट चेंज, हाँ बिल्कुल सही बात है, जिस समय डिसीजन होगा उसमें एसेट चेंज नहीं होगा। फाइनेंसिंग रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिसीजन, में फाइनेंस जो है कांस्टेंट, मतलब इक्विटी अर्निंग को कांस्टेंट रखा जाए, बिल्कुल सही है। रिस्क भी क्या होगा, कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिसीजन पीरियड, और अर्निंग जो होगा डिसीजन पीरियड में वो भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या है, जनरल एजम्पशंस हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के। अगर उसके बाद नाइन क्या है सर, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन जो होगा आइडेंटिकल ड्यूरिंग द डिसीजन पीरियड, फर्म्स परपेचुटी बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा मानेंगे कि है ना लगातार। डेट क्या होगा, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, ऐसा कंसीडर किया जाता है जनरल एजम्पशंस में। अब हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज की, किसकी बात करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज की, ठीक है। आई हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को पहले देखते हैं। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की बात करेंगे तो कुछ थ्योरीज को कहा गया है रिलेवेंस थ्योरी, कुछ थ्योरीज को कहा गया है इररिलेवेंस थ्योरी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस, और रिलेवेंस का क्या मतलब हुआ, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ थ्योरीज कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से फर्क पड़ता है, ठीक है। किसमें सर, फर्म की वैल्यू, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से फर्म की वैल्यू में फर्क पड़ता है, और कुछ थ्योरीज कहती है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइए तो ये चार इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लेकिन अब इन दो कैपिटल स्ट्रक्चर की अदर दो थ्योरी भी है, ट्रेड ऑफ थ्योरी और पकिंग ऑर्डर थ्योरी, बहुत बेसिक थ्योरी है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं। आज हम ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरी कह रही क्या रही है, नेक्स्ट क्लास जब होगा तो हम लोग इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट तीन क्लास, एक क्लास इस पे, एक क्लास इस पे, एक क्लास इस पे, तीन क्लास और आगे होगा। चलिए अभी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। देखिए एनआई अप्रोच, पहला अप्रोच है एनआई अप्रोच, डेविड डुरंट साहब ने दिया है। ये थ्योरी क्या कहती है सर, ये थ्योरी कहती है कि डेट के बढ़ाने की वजह से, डेट के चेंज करने की वजह से फर्म की वैल्यू में फर्क पड़ता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिलेवेंस थ्योरी, मतलब फर्क पड़ता है। अगर हम डेट को यूज करेंगे तो हमको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और टैक्स का बेनिफिट मिलेगा तो भैया हमारा कॉस्ट कम होगा, और कॉस्ट कम होगा तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर अपोजिट कर दें, डेट को कम यूज करें सर, कॉस्ट ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगा तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होगी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये थ्योरी यही कहती है। दूसरा थ्योरी है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये भी रेलेवेंस थ्योरी है, लेकिन उससे पहले आप एनओआई अप्रोच को समझिए। एनओआई अप्रोच क्या है, कैपिटल का इररिलेवेंस थ्योरी, ये भी डेविड डुरंट साहब ने दिया है। इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से वैल्यू फर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि अगर तुम डेट बढ़ाओगे, ठीक है, अगर तुम डेट बढ़ाओगे ठीक है, तुमको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो डेट बढ़ाने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो बोलेंगे ना भाई साहब कि मेरा, जब तुम डेट बढ़ रहा है तो रिस्क भी बढ़ रहा है, और जब रिस्क बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, और जब कॉस्ट बढ़ेगा तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, डिमांड करेंगे भैया मेरा भी बढ़ाओ, है ना, मेरा भी बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ाओ। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ ही जाएगा, इधर से डेट पे बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा, वो तो बराबर हो गया,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बात समझ में आई? एक बार फिर बोल देता हूं कि ये क्या थ्योरी कह रहा है एनवाई अप्रोच। कह रहा भाई साहब डेट लेने की वजह से आपका आपको टैक्स का बेनिफिट तो मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डेट लीजिएगा बहुत ज्यादा तो रिस्क भी तो बढ़ेगा, और जब रिस्क बढ़ेगा तो भाई साहब शेयर होल्डर कॉस्ट भी तो मांगेंगे कि हम क्यों रिस्क झेले, तुम्हारा कंपनी तुम रिस्क झेलो हम क्यों झेलेंगे। तो जब रिस्क झेलेंगे कॉस्ट इक्विटी शेयर होल्डर तो एक कॉस्ट भी तो मांगेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेट की वजह से बेनिफिट मिला लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया, तो दोनों क्या हो गया, फिर बराबर हो गया। इसलिए कहते हैं डेविड ड्यूरन साहब एनवाई अप्रोच में कि भैया इस पे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। उसके बाद तीसरी थ्योरी है ट्रेडिशनल अप्रोच, सबसे बेस्ट अप्रोच इसी को माना गया है ट्रेडिशनल अप्रोच को। क्या अप्रोच कहती है कि भैया एक हद तक आप डेट को यूज करिएगा तो बिल्कुल सही है कि भैया वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ेगा, लेकिन अगर एक हद से ज्यादा डेट यूज करने लगिएगा तो वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। इसको दिया है सोलोमन एजरा साहब ने। और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या कहता है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच करता है भैया कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, टोटल डिपेंड जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, तो इस पे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। ठीक है जी। जी तो ये थी ओवरऑल थ्योरी। अगले क्लास में हम लोग एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम और मोदी गिलानी अप्रोच को देखेंगे, और फिर लास्ट में दो एक थ्योरी बची है उसको देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।